और आइए अब बात करते हैं बस्तर दौरे की, गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे की, जहां पर आपको बता दें कि वो कैंप में ही आज रात गुजारेंगे, सीआरपीएफ कैंप में रात गुजारेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और इसके लिए वे करणपुर पहुंच चुके हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, और आज विशेष विमान से वो जगदलपुर पहुंचे, यहां से वो सीआरपीएफ कोबरा बटालियन कैंप करणपुर पहुंच गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर का। जीवानंद, क्या कुछ जानकारी, करणपुर कैंप में पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह? देखिए, निश्चित तौर पर सीआरपीएफ की 84वें जो रेजिंग डे है उस कार्यक्रम में शामिल होने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ कोबरा जो बटालियन है वहां पर पहुंचे हैं, और इस वक्त आईएनएस की टीम जो कोबरा बटालियन के सामने में मौजूद है, आप देख सकते हैं यही वही कोबरा बटालियन है जहाँ पे आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी है वो नक्सल मोर्चा में तैनात जो जवान है उनके साथ रात गुजारेंगे। वही आप थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, यहाँ के सुरक्षा अधिकारी है, उनका 8 बजे बैठक लेंगे। उसके बाद जो जवानों के साथ जो बड़ा खाना है उसका उसमें बस जवानों के साथ शामिल होंगे। आप देख सकते हैं ये जो सुरक्षा का चाक चौबंद स्थिति बना हुआ है, किसी भी व्यक्ति को बिना आइडेंटिफाई के अंदर जाना वर्जित है, बहुत ही कड़ा और चारों तरफ जो सुरक्षा बल का तैनात किया गया है। कल इसी कोबरा बटालियन में जो रेजिंग डे मनाया जाएगा और उस रेजिंग डे पे केंद्रीय जो गृह मंत्री है वो शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ के जो नजारा आप देख सकते हैं यही कोबरा बटालियन है। आपको सीआरपीएफ के बारे में अगर बता देना चाहूंगा कि देश नहीं पूरा दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा आर्मर्स फोर्स की जो टोली है, जो हिस्सा है वो है सीआरपीएफ है। और सीआरपीएफ का अगर गठन की बात करें, सीआरपीएफ 1939 में इसकी गठन हुआ है, जब से लेकर इसकी करीबन 248 बटालियन है और कहा जाए तो 3 लाख से अधिक जवान इस सीआरपीएफ के हिस्सा है। तो निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़े ये जो हिस्सा है और ये जो सीआरपीएफ के जो जवान है, तो कुल मिला के उन्हीं उसी 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 के रेजिंग डे पे जब कोई बड़े देश के कोई बड़े लोग आते हैं तो निश्चित रूप से खुशी का माहौल है। इसमें जवानों के जो हौसला वो भी बढ़ता है, क्योंकि पहली बार जो बस्तर में इस तरह के आयोजन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो रेजिंग डे कश्मीर में मनाया गया था और दिल्ली में मनाया गया था, लेकिन पहली बार बस्तर में रेजिंग डे मनाया जा रहा है। और आज का जो नजारा है, क्योंकि गृह मंत्री स्वयं आज जवानों के साथ भोजन करेंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे, क्योंकि ये जो जवान है ये बस्तर अति संवेदनशील क्षेत्र और नक्सलियों के साथ लोहा लेने वाले, नक्सलियों के साथ मोर्चा संभालने वाले वो जवान है, और उन्हीं के साथ अगर आज रात गुजारेंगे तो निश्चित रूप से जवानों के मनोबल बढ़ेगी और बस्तर में जो इस प्रकार की अशांति का माहौल है कहीं ना कहीं इसमें बल मिलेगा। और एक चीज आपको बता देना चाहूंगा, आप बाहर का नजारा भी मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कहूंगा, देखिए बाहर में जिस तरह से जो नजारा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा आर्मर्स गार्ड, आर्मर्स का जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। बाहर में एंटी लैंड मैंस की जो गाड़ियां है वहां पर भी वहां रखा हुआ है, साथ में जो ड्रोन है ड्रोन से भी चारों तरफ निगरानी किया जा रहा है, क्योंकि शाम का वक्त है और शाम से पहले यहाँ के जितने